सो वेलकम बैक। हमने यहाँ तक अपनी अपना जो एप्लीकेशन था वो यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हमने करना क्या है कि जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, कुछ सीन यहाँ पर वेट करें स्प्लैश स्क्रीन पे, और फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएं। सही है? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट लगाता हूँ। सही है? अवेट। अच्छा, अवेट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। चलिए उसको मैं करता हूँ फ्यूचर डॉट डिलेड ड्यूरेशन, और उसको मैं ड्यूरेशन देता हूँ लेट्स सपोज सेकंड्स, उसको मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। सही है? डॉट डॉट देन हमने यहां पर अपना एक चलिए फ्यूचर डॉट डिलेड, इसको फिलहाल स्किप कर दें। सही है? यहाँ पे मैं जो फंक्शन लिख रहा हूँ उसको समझे, नेविगेशन का। सही है? ये हम फ्यूचर्स का एक सेक्शन है, उसको बढ़ेंगे तो ये उसमें क्लिक कवर हो जाएगा। सही है? यहाँ पर फिलहाल ये है, यही समझने के मैं 2 सेकंड का यहाँ पर वेट लगा रहा हूँ, और उसके बाद मैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर। सही है? अच्छा, नेविगेशन के लिए जो हम क्लास यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नेविगेटर। सही है? नेविगेटर की जो क्लास है हम यूज करते हैं उसके लिए। अब नेविगेटर को हम क्या पास करते हैं, नेविगेटर डॉट पुश। सही है? यहां पर इसको कॉन्टेक्स्ट देते हैं, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में आपका जो आप जिस करंट पोजीशन पे है ना, उसका सारा रिकॉर्ड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में होता है। सही है? उसको हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं कि मैं लेट सपोज आप यहाँ पे डीन्स में है ना, तो आप कोई आपको कॉल करता है कि आप कहाँ पे है, तो आप उस बताएंगे मैं डीन्स में हूँ। उसको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है आपका जो करंट लोकेशन है। तो तकरीबन तकरीबन कॉन्टेक्स्ट होता है, तकरीबन वही है। इसको जो दूसरा ऑप्शन चाहिए होता है, उसको राउट चाहिए होता है कि आपने किस राउट पे जाना है। सही है? तो राउटिंग के लिए हमारे पास दूसरे भी राउट्स हैं, बट राइट नाउ हम यूज करेंगे मटेरियल पेज राउट। सही है? मटेरियल पेज राउट। सही? और यहां पे हमें इसको बिल्डर देना होता है, एंड सॉरी उसमें कॉन्टेक्स्ट, एंड देन उसमें जो स्क्रीन जिस स्क्रीन पे आपने जाना है उस स्क्रीन का यहाँ पे वो क्लास मेंशन कर दें। सही है? तो क्योंकि हमने कोई और स्क्रीन बनाई नहीं है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट स्क्रीन बना लेता हूँ स्टेटलेस। इसको मैं करता हूँ कैलकुलेटर स्क्रीन। ये नहीं कर रहा है, बोर्ड का देखिए यहाँ पर। सही है? तो ये हमारे पास एक कैलकुलेटर स्क्रीन हो गई है। इसको मैं यहाँ पे सेंटर शाइन सेंटर एंड उसमें एक टेक्स्ट करता हूँ कैलकुलेटर। सही है? तो ये हमारे पास कैलकुलेटर स्क्रीन है। सही है? तो यहां पर आपने फिर क्या मेंशन करना है, स्क्रीन का नाम आपने मेंशन करना है। सही है? कैलकुलेटर स्क्रीन यहां पे आप इसको इंपोर्ट करते हैं। क्लियर? तो यहां तक आपका हो गया है ये काम। तो इसको हम क्या प्रोवाइड, एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको फिर मटेरियल पेज राउट प्रोवाइड करते हैं। सही है? और इसके अंदर हमारे पास बिल्डर का एक वो होता है, बस जस्ट आप फॉर नाउ आप इसको आप जो ये सिंटेक्स है ना इसको समझ लें। सही है? ये सिंटेक्स आपने मल्टीपल जगह पे यूज करना है। सही है? इसकी ज्यादा जो इंटरनल डिटेल्स है उसमें नहीं जाता। सही है? अच्छा, हमारे पास जो नेविगेशन किस तरह फॉलो होती है, नेविगेशन हमारे पास एक मोस्टली जो मटेरियल के हैं नेविगेटर डॉट पुश जो है, इसमें होता क्या है, जो मटेरियल पेज राउट है ना, वो स्टेप बाय स्टेप आप आपके पास एक स्टैक बन रही होती है। सही है? लेट सपोज आपने बुक्स रखी है, उसका एक स्टैक बना हुआ है। सही है? तो आप जैसे बुक रखेंगे टॉप पे रखेंगे। सही है? और जब जो बुक उठाएंगे आप, तो टॉप का जो बुक है वो उठाएंगे। सही है? तो स्टैक में ये होता है कि लास्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही है?
लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो होता है ना वो, तो स्टैक हमारे पास लीफो होता है, तो ये जो नेविगेटर है ना ये भी उसी सेम प्रोसेस पे वो करता है, फॉलो करता है। आपके पास स्टैक होता है, आप उसमें पुश करते हैं, सही है, ये हमारे पास स्टैक है, तो स्टैक में हम पुश करते हैं, जो पुश करते हैं वो टॉप पे आ जाता है। जब हम पॉप करते हैं, अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना, तो पुश एंड पॉप का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। लीफो, लीफो में क्या होता है, लास्ट में जो पुश करते हैं वो फर्स्ट में पॉप होगा, सही है। तो सेम यहाँ पर भी वही सीन है, नेविगेटर डॉट पुश, हम एक राउट वहां पे पुश करते हैं, सही है, आपके पास स्टैक पे राउट आ जाता है, तो आपको वो स्क्रीन नजर आ रहा होता है। आपने बैक का जो पिछला जो स्क्रीन था उस पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, नेविगेटर डॉट पॉप, तो जो टॉप का राउट होता है वो पॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली, सही। तो राइट नाउ आप लोग इतना समझ लें कि नेविगेटर डॉट पुश एंड नेविगेटर डॉट पॉप, सही है। इसमें थोड़े से और भी है, सही है, उसके यूज केसेस भी है, उसको मैं जाके डिस्कस करूंगा जब हम लॉगिन का वो प्रोसेस बनाएंगे ना, प्रोफाइल एंड लॉगिन का, आप वहां वहां पर मैं फिर मैं जाके आपको उसका यूज केस भी बताऊंगा और उसको हम कैसे यूज करेंगे उसका भी बताऊंगा, सही है। जनरल हम क्या करते हैं, नेविगेटर डॉट पुश एंड नेविगेटर डॉट पॉप करते हैं, सही है। तो नेविगेशन के लिए हम नेविगेशन की क्लास यूज करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, दोबारा से इसको रिस्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा ऐप, ये देखें फर्स्ट दोबारा से रिस्टार्ट करें तो आपको अभी अंदाजा हो जाएगा, ये देखें ऐप स्टार्ट हुआ है, 2 सेकंड का वेट करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया, सही। तो ये हमारे पास वो कैलकुलेटर का स्क्रीन है, उस पर आ गया, सही। अब हमने कैलकुलेटर का स्क्रीन डिजाइन करना है, फर्स्ट स्प्लैश स्क्रीन हो गया, स्प्लैश स्क्रीन से हमने मूव कैसे करना है वो प्रोसेस भी आपको मैंने समझा दिया है कि आप थोड़ा सा वेट लगा दें उसमें और फिर उसको नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर दें, सही है। और उसकी जो इंटरनल डिटेल्स है, फ्यूचर डॉट डिलेड, और ये फ्यूचर किस लिए यूज होता है, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, सही है। यहाँ तक हो गया हमारा नेविगेशन का काम भी थोड़ा सा हो गया है, हमने थोड़ी वो डिस्कशन उस पर कर ली। अब हमने आना है कैलकुलेटर स्क्रीन पे, और यहाँ का इसका जो यूआई है वो हमने वो डिजाइन करना है, क्लियर। अब ये यूआई थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, सही है, और यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखनी है। ये जो दो बटन है राइट नाउ इसको हम नहीं बनाएंगे, ये दो बटन इसको हम स्किप करते हैं, सही है। जो बाकी यूआई होगा उसको हम बनाएंगे। अच्छा, अगर बाकी हमने यूआई बनाना है तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं, सही है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको अगर आप लोग देख लें, ये हमारे पास लेट सपोज है फर्स्ट स्क्रीन है मेरे पास, इसमें हमारे पास 3 सेक्शन है, ये सेक्शन 1, यहां पर आपने वो अपना जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले करना है, यहां पर आपका आंसर आएगा, यहां पर टेक्स्ट आएगा, और जो थर्ड सेक्शन है उस पे बटन आ जाएंगे सारे। तो यहां पर हमारे पास एक्चुअली ये 3 सेक्शन है, सही है। वो उतना परफेक्ट यूआई तो नहीं है, बट एनीहाउ आपको समझाने के लिए सेक्शन में डिवाइड करते हैं, सही है। ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है, यहाँ पर हम जो आंसर डिस्प्ले करेंगे, ये हमारे पास आंसर का सेक्शन है, यहाँ पर हमने वैल्यूज डिस्प्ले कर दी है, सही है। यहाँ पर देख लें आप लोग, ये देखें, ये हमारे पास आंसर का सेक्शन है, ये वैल्यूज डिस्प्ले करने का सेक्शन है, और ये हमारे पास जो दूसरा सेक्शन रह जाता है वो है, क्लियर। अच्छा, अभी हम आते हैं फर्स्ट ये सेक्शन बनाते हैं, सही है। यहां पर मैं क्या यूज करता हूं, स्केफोल्ड, स्केफोल्ड एंड बॉडी, एंड बॉडी के अंदर हम यूज करेंगे एक कॉलम, सही। एंड देन कॉलम के अंदर हमने क्या यूज करना है, कॉलम के अंदर हमारे पास 3 सेक्शन है, सही है। एक वो टॉप का जो सेक्शन था जिसमें हमारे पास वो आंसर का टेक्स्ट था, सही है। इसको मैं करता हूँ रिजल्ट, सही है, रिजल्ट का जो टेक्स्ट था, सही है, रिजल्ट सेक्शन। दूसरा सेक्शन हमारे पास कौन सा है, हाँ वैल्यूज का सेक्शन कर देते हैं, वैल्यूज डिस्प्ले सेक्शन, और जो थर्ड सेक्शन है वो हमारे पास है बटन्स, क्लियर।
अब इन तीनों को हम सेक्शन बाय वन बाय वन बनाते हैं। ये हमारे पास था आंसर का सेक्शन, इसको मैं फॉर टाइमिंग आंसर लिख लेता हूँ, सॉरी। इसके अंदर चिल्ड्रन होंगे और चिल्ड्रन के अंदर फिर आएंगे, सही है। तो रिजल्ट का सेक्शन था, रिजल्ट का सेक्शन आने पर जस्ट एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट का वीडियो टैब, सही है, उसको मैं करता हूँ आंसर का सेक्शन, सही। अब जो दूसरा सेक्शन है इसमें क्या है इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट है और साथ में एक बटन है, आइकन बटन है, सही है। सॉरी। तो यहां पर हमें क्या चाहिए होगा, एक रो, सही है, और रो में हमें दो विजिट्स चाहिए, एक हमारे पास है टेक्स्ट, सही है, इसको हम करते हैं वैल्यूज डिस्प्ले, सही है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक बटन है, सही है। तो आपके पास बटन्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, फ्लटर में आपके पास एक बटन टाइप है आइकन बटन, तो वो आइकन बटन भी आप लोग यूज कर सकते हैं, सही है। अगर आपने आइकन बटन यूज नहीं कर, जस्ट आइकन यूज करना है, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास है, बट उसका वो जो प्रेसिंग का जो फील है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता जो दूसरा आप यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जेस्चर डिटेक्टर बोलते हैं, उसका वो जेस्चर इतना अच्छा नहीं होता, सही है। तो आइकन बटन है, उसमें जेस्चर जो है ना वो काफी अच्छा होता है, तो इस वजह से आप जहां पे आपको आइकन बटन यूज करना है, तो आप कोशिश करें कि आप आइकन बटन ही यूज करें, आप जेस्चर पे ना जाए। कुछ केसेस होते हैं हमें जरूरत पड़ती है, आइकन बटन का अपना एक वो इंटरनल पेडिंग होती है, बाज जगहों पे आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आप फिर लोग आप लोग जो है ना वो जेस्चर डिटेक्टर यूज करें, सही है। आइकन आइकन बटन हमने यूज करना है, सही है, इसको एक आइकन चाहिए होता है, और आइकन आइकॉन नहीं आइकन का विजिट एंड उसके अंदर से आइकन है, आइकॉन्स डॉट नहीं आई थिंक इसका नाम क्या है, डिलीट है, क्या नाम है इसका, बैक, ये बैक स्पेस, सही है। अच्छा एग्जैक्ट आइकन मेरे ख्याल में इसमें नहीं होगा, बैक स्पेस, सही है, फॉर टाइमिंग एग्जैक्ट आइकन इसमें नहीं है, सही है। तो हमने जो बैक स्पेस का बटन है ना, यही यूज कर लेते हैं, सही है। अगर आपने एग्जैक्ट बटन यूज करना है, तो आप अपना आइकन डिजाइन करके यूज कर लें इसमें, सही है, और इसका कलर हम कर देते हैं रेड, अब आइकन बटन का ऑन प्रेस्ड है, तो बैक स्पेस प्रेस, सही है। इसको मैं सेव करता हूं, इसको देखते हैं कि इसका यूआई कैसे आता है, सही है, ये देखें, सही है, इसका यूआई हमारे पास उस तरह आ रहा है। वैल्यूज डिस्प्ले सेक्शन है, एंड टॉप पे आंसर का सेक्शन था, वो बिल्कुल देखें ऊपर आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, सेफ एरिया चाहिए होगा, सेफ एरिया भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है अगर आप टॉप पे पेडिंग करना चाहते हैं, तो पेडिंग भी कर सकते हैं, सही है। अभी हमारा जो कंटेंट है वो सेफ एरिया के अंदर आ गया है, सही है। अब हमने ये आंसर का टैब नीचे लाना है, और जो दूसरे काम है वो करना है, सही है। बट इसमें आप लोग देख लें एक चीज है, यहाँ पर अगर आपको नजर आ रही है तो ये देखिए, सेंटर में अलाइंड है, बिल्कुल लेफ्ट में अलाइंड है। तो हमने करना क्या है, राइट नाउ जो कॉलम का जो बाय डिफॉल्ट मेन एक्सिस अलाइनमेंट, सॉरी जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होता है ना, वो सेंटर होता है बाय डिफॉल्ट, सही है। और जो क्रॉस एक्सिस में है ना, सॉरी क्रॉस एक्सिस में सेंटर होता है, और मेन एक्सिस में टॉप होता है, सही है। तो बिल्कुल टॉप पे आ रहा है मेन एक्सिस पे दोनों, सही है। हमने करना क्या है, हमने इसको थोड़ा सा नीचे लाना है, और दूसरी बात हमने इसको लेफ्ट पे अलाइन करना है, सॉरी राइट पे अलाइन करना है, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, जो कॉलम है ना मेन एक्सिस अलाइनमेंट, इसकी मैं चेंज कर देता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड, ये देख लो, सॉरी मैंने मेन एक्सिस में कर दी, क्रॉस एक्सिस में कर दिया,
क्रॉस एक्स अलाइनमेंट डॉट एंड, सही है। तो आप अगर आप लोग देख लें तो जो आंसर का विजेट है वो बिल्कुल एंड पे चला गया, बट ये जो दूसरा रो है ये बिल्कुल वहीं पे आ रहा है, ये बिल्कुल वहां पे नहीं जा रहा। और उसकी वजह ये है कि हमारे पास इसमें हमने क्या यूज किया था, रो यूज किया हुआ है रो, और रो का मेन एक्सिस स्टार्ट से है, तो उस वजह से वो बिल्कुल लेफ्ट पे आ रहा है, सही। तो ये जो रो है ना इसको हम क्या कर लेंगे, इसका जो मेन एक्सिस है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड कर लेंगे, सही है। तो दोनों हमारे पास बिल्कुल राइट पे अलाइन हो गए हैं, क्लियर यहां तक? Yes, अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो हमारे पास इसकी स्टाइलिंग करते हैं, सही है। स्टाइलिंग करते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करते हैं, जो टेक्स्ट की स्टाइलिंग है वो करते हैं, और उसके बाद हम आते हैं बटन डिजाइन करने पे, सही है। उसके बाद हम बटन डिजाइन करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, सही है। मेन थीम कलर, सही है, उसको मैंने मेन थीम कलर कर दिया है। उसके बाद जो टेक्स्ट का कलर है उसकी जो साइजिंग है वो चेंज करनी है। अब आंसर है तो स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल में हम क्या देंगे इसको, फर्स्ट जो है ना साइज, साइज को हम करते हैं 40, कलर कलर्स को कलर्स डॉट वाइट, एंड उसके बाद फॉन्ट वेट है एंड फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर देते हैं, सही है। तो हमारे पास वो बिल्कुल एडजस्टेड आ रहा है थोड़ा सा, सही है। एंड देन अगेन ये टेक्स्ट स्टाइल उठा के मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर भी, तो इसको मैं फिर चेंज कर लूंगा स्टाइल, ये 14 इसको 30 कर लेंगे, कलर भी उसका वही है, और ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है इसको थोड़ा कम कर देते हैं 20, अभी सही है। अभी देख लें आपके पास, सही है। अच्छा, जब आपको XD डिजाइन मिलेगा ना, XD डिजाइन, सही है, उसमें आपको एक एक फॉन्ट क्लियर होगा, सही है। इस फॉन्ट का साइज क्या है, कितना है, इस फॉन्ट का जो है ना वो टेक्स्ट स्टाइल कौन सा है, सही है। आपको चलो मैं एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ यहाँ पर XD में, इसमें हमारा जो पर्सन कोई डिजाइन हो तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये ओपन करता हूँ मैं, ओके। सो मेरे पास लेट्स सपोज ये डिजाइन है, सही, ये डिजाइन है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें इसका कलर कौन सा है, ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो पॉपिंस है, इसका साइज जो है ना 20 है, ये बोल्ड है। अच्छा, इसका कलर जो है ना, ये कलर कोड यहाँ क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे कलर कोड आ जाता है इसका, सही है। जब एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती है, सही है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास एक एक्सट्री डिजाइन है। दूसरी बात, ये बटन है ना, ये बटन आप इसकी आप हाइट एंड विड्थ भी देख सकते हैं, ये देखें इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है 288 एंड हाइट 246, ये देखना है आपने इसकी, ये देखें इसकी हाइट कितनी है 45 एंड विड्थ इसकी 127 है, सही है। तो इस तरह आप जब एक्सट्री डिजाइन से काम करते हैं तो सारी चीजें आपको फिर वहां पे स्पेसिफिकेशन पूरी होती है आपके पास, सही है। तो आपने जस्ट वहां से वो वैल्यूज देखनी है और वो आपने डालनी है, बाकी वैल्यूज को सेट करना, कितना रखना है कितना नहीं रखना वो, ओके। सो यहां तक हमारा जो बेसिक वो स्टाइल है बैकग्राउंड का वो भी हो गया है, और जो फॉन्ट्स के थोड़े से स्टाइल है वो हो गए, सही है। अब इसका हमने लेआउट सेट करना है। अच्छा, अब इस डिजाइन से आप लोग देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट बिल्कुल लेफ्ट पे आ रहा है, अब ये भी साथ में, और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत पैडिंग नजर आएगी यहाँ पे, सही है, थोड़ी सी पैडिंग इसको ऑलरेडी मिली हुई है, सही, और इसको टॉप से भी पैडिंग मिली हुई है, सही है। तो उसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, इसको मैं टॉप से पैडिंग देता हूँ। हमारे पास ये कौन सा विजेट है, ये है ना, इसको मैं साइज बॉक्स लगा के, ये तो रो है, वो फर्स्ट वाले में ही लगा देंगे यहाँ पर,
इसको मैं यहाँ पे साइज बॉक्स, चलो इसको साइज बॉक्स नहीं करते हैं, इसको मैं पेडिंग दे देता हूँ, सही है। पेडिंग एंड पेडिंग करते हैं इसको, डॉट ओनली, ओनली नहीं करते हैं, हाँ सही है, ओनली टॉप से करते हैं इसको, लेट सपोज है 100, सही है। और राइट से भी इसको पेडिंग चाहिए, राइट से मैं इसको कर देता हूँ 10 फॉर नाउ। ये देखें अभी हमारे पास थोड़ा सा एडजस्टेड आ गया है, सही है। अब दोनों हाँ सही है, बाकी हमने नीचे वो बाकी जैसा बाकी सारा काम भी करना है नीचे, सही है। तो ये हमारे पास हो गया है आंसर का सेक्शन, ये हमारे पास हो गया है वो टेक्स्ट का सेक्शन, जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है वहां से। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है ये चीज डिजाइन करना, सही है। ये अभी हमने डिजाइन करना है, अभी इसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बैकग्राउंड का जो आपको नजर आ रहा है वो कंटेनर वो बनाना है, सही है। तो हम पे फर्स्ट बैकग्राउंड का कंटेनर बनाते हैं, ग्रिड में भी पॉसिबल है बट हम ग्रिड यूज नहीं करेंगे। हाँ आपको समझाने के लिए कि आप ग्रिड यूज ना करें तो उसको कैसे करेंगे, सही है। ग्रिड से भी पॉसिबल है, ग्रिड से सिंपल ऑप्शन है, हाँ ग्रिड ऑप्शन भी है, बट इसमें हम ग्रिड यूज नहीं करेंगे, विदाउट ग्रिड हमने करना, थोड़ा चैलेंज करते हैं ना चीजों को, देखते हैं इसको कैसे बना पाते हैं नहीं बना पाते, सही है। इसमें फ्लेक्सीबिलिटी की चीज है, चीजों को हमने फ्लेक्सीबल रखना है, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम अपने आप को टेस्ट करते हैं। ओके, सो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है, सही है। रिजल्ट का सेक्शन भी हो गया है और वैल्यूज का सेक्शन भी हो गया है। अब हम आते हैं बटन के सेक्शन पे, सही है। तो बटन के सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने यूज करना है कंटेनर, सो कंटेनर एंड इसका कलर क्या होगा। ओके, हमारे पास कंटेनर है, इसको हमने देनी है डेकोरेशन, सही है। बॉक्स डेकोरेशन, इसमें फर्स्ट देते हैं कलर, सही है। इसको मैं करता हूँ डार्क ग्रे बैकग्राउंड कलर, सही है। बैकग्राउंड कलर इसका हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, इसको हमने टॉप के जो बॉर्डर्स हैं इसके वो राउंड करने हैं, सही है। ये देखें, ये जो टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट दोनों जो बॉर्डर्स हैं उसको हमने राउंड करना है थोड़ा सा, सही। तो उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे अब बॉर्डर्स, सही है। बॉर्डर रेडियस पे, जो इसके बॉर्डर्स होंगे उसका रेडियस क्या होगा, सही है। तो बॉर्डर रेडियस नहीं, हमने तमाम साइड से नहीं देना, बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, सही है। यहाँ पे टॉप लेफ्ट, सही है। एंड रेडियस डॉट सर्कुलर आपने यहाँ पे देना, सही है, क्योंकि हमें सर्कुलर रेडियस चाहिए, सही। रेडियस डॉट सर्कुलर, उसको मैं कर देता हूँ 4x20, उसको हम देखते हैं कि कैसे आता है इसका आउटपुट। टॉप लेफ्ट हो गया है, अब हम करते हैं टॉप राइट हो गया, टॉप लेफ्ट करते हैं, रेडियस डॉट सर्कुलर उसको करते हैं 20। ओके, इसको मैंने कर दिया है, बट यहाँ पे मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, नथिंग इज शोइंग ओवर हियर, सही। तो अभी करना क्या है, हमें कुछ शो नहीं हो रहा, सही। अगर कुछ शो नहीं हो रहा तो इसकी वजह यह है कि ये ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है, इसके अंदर कुछ है नहीं, इसको हमने कुछ विड्थ एंड हाइट नहीं दिया, सही है। जो पहली बात, इसको हमने देनी है विड्थ, सही है। इसको हमने कितनी विड्थ देनी है, जो हम करते हैं लेट्स सपोज दिस साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जरा टेस्ट करता हूँ कि एक्सपेंडेड विजिट कैसे काम करेगा, ये देखें, सही है।
अच्छा इसकी जो विड्थ होती है ऑटोमेटिकली कितनी होती है, जो आपके पास अवेलेबल स्पेस होता है हॉरिजॉन्टल कंटेनर, सही है, वो स्पेस ले लेता है। अब हॉरिजॉन्टल पूरी स्पेस ने ले ली, सही है। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक्सपेंडेड मैंने यूज किया है। अब एक्सपेंडेड विजिट क्या करता है, एक्सपेंडेड विजिट ये करता है कि आपके पास जितनी अवेलेबल स्पेस है ना वो सारी एक्वायर कर लेता है। हाँ, जो विजिट आपने इसके अंदर यूज किया हुआ है ना उसके लिए कर देता है। अब इसके अंदर मैंने क्या यूज किया हुआ, कंटेनर। अब ये जो कंटेनर है इसको मैंने एक्सपेंडेड के अंदर रख दिया ना, एक्सपेंडेड में ये क्या करेगा, जितना स्पेस था अवेलेबल उसने ले लिया है सारा, क्लियर। तो हमारे पास, सॉरी आपको नजर नहीं आ रही यूआई, सॉरी। तो ये देखें जो एक्सपेंडेड जो जितना स्पेस रहता था ना स्क्रीन पर वो सारा उसने ले लिया है, क्लियर। तो दिस इज हाउ आप एक एक्सपेंडेड विजिट यूज कर सकते हैं। एक्सपेंडेड विजिट क्या करता है, जितनी अवेलेबल स्पेस स्क्रीन पे है ना वो सारी वो एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंडेड यूज कर लिया। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट जो बटन है हमारे पास, फ्लेक्स वैल्यू को। फ्लेक्स वैल्यू को हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब ऊपर हमें जो दूसरी चीजें हैं ना उसकी फ्लेक्स वैल्यूज का हमें पता हो, सही है। फ्लेक्स वैल्यूज को भी मैं यूज करूंगा, वो दूसरे में यूज करते हैं, दूसरे बटन में यूज करते हैं उसको, सही है। इसमें यूज नहीं करते ना, इसमें जरूरत नहीं है। फ्लेक्स वैल्यूज हमारे पास जो बटन है ना उसमें आएंगे यूज, उसका उसका यूज केस वहां पे होगा। अच्छा चलो एनी हाउ देखते हैं, इश्यूज होंगे उसमें, लेकिन एनी हाउ उसको हम डिजाइन करेंगे ना, हम टेस्ट करेंगे चीजों को। तो यहाँ तक हमारा जो थोड़ा सा यूआई था वो हो गया। अब हम आते हैं बटन्स की तरफ, सही है। तो कंटेनर का जो मेन वो बैकग्राउंड वगैरह की चीजें हैं वो तो बन गई है यहाँ पर, साथ साथ यहाँ पे डिजाइन भी नजर आ रहा। ये कंटेनर है एंड उसके चाइल्ड में हमने करना है, सही। अच्छा अभी अगर हम इस डिजाइन को देख लें तो ये डिजाइन हमारे पास कैसे बनेंगे, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास रोज है और रोज इन कॉलम्स, सही है, मतलब एक दो तीन चार पांच, पांच रोज, सही है। उसके अंदर जो है ना एक दो तीन चार, चार कॉलम्स, सही है। यह हम इस तरह कर सकते हैं कि हम एक रो ले लें उसके अंदर हम कॉलम्स यूज कर लें, दो ऑप्शन है। फर्स्ट इज कि हमारे पास एक कॉलम हो पूरा, उसके अंदर हमारे पास रोज हो, रो वन रो टू रो थ्री रो फोर एंड रो फाइव, सही है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है कि हमारे पास क्या हो, एक रो हो उसके अंदर कॉलम्स हो, सही है। नहीं, हम यूज करेंगे रो के अंदर कॉलम्स, उसकी वजह यह है कि जो आखिरी रो है ना ये आखिरी कॉलम जो है इसने थोड़ा सा ज्यादा स्पेस एक्वायर किया हुआ है, सही है, इसने डबल स्पेस एक्वायर किया हुआ है, तो इस वजह से हम यूज करते हैं कौन सा, रो के अंदर हम कॉलम यूज करते हैं, सही है। एक रो होगा उसके अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स यूज कर लेंगे, सही। अच्छा चलिए इसको हमने फ्लेक्सिबल रखना है चीजों को। अगर ये चीज आप लोग फ्लेक्सिबली बना लेते हैं, सही है, उस चीज को आप समझ गए हैं, तो मतलब आप कोई भी फ्लेक्सिबल यूआई बना सकते हैं, उस इश्यूज को आप रिजॉल्व कर सकते हैं अपने लिए, सही है। इसमें अभी ये यूआई मैंने इस वजह सेलेक्ट भी किया है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है यहाँ पर, सही है। तो आपको थोड़ी चीजें क्लियर होती जाएगी साथ साथ। अच्छा तो हम करते हैं यहाँ पे करते हैं एक रो, सही है। अच्छा रो एंड रो के अंदर पे हमारे पास होगी चिल्ड्रन, क्लियर। अब चिल्ड्रन है तो अब चिल्ड्रन हम कैसे करेंगे, आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये रो है ना, यहाँ पे मैं कंटेनर यूज करता हूँ, कंटेनर में
कॉलम यूज करूंगा, सही है। बट फॉर टाइम बीइंग मैं क्या यूज करता हूँ यहाँ पर, चलिए कॉलम यूज करता हूँ आपको, फिर मैं समझा देता हूँ दोबारा से। पर हमें यहाँ पे कितने कॉलम यूज करने हैं? 5 कॉलम्स नहीं, 5 नहीं, कॉलम हमारे पास 4 आएंगे, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स आएंगे, सही है। अच्छा मैं 4 कॉलम्स यूज करूंगा, बट मैं करूंगा क्या इसमें, अब मुझे हर एक कॉलम के लिए इक्वल स्पेसिंग चाहिए, क्या इक्वल स्पेसिंग चाहिए मुझे। आप में से वेब डेवलपमेंट किसने की है? फ्रंट एंड, हाँ सॉरी वेब डिजाइनिंग, सॉरी। उसमें जो डिविजन्स होता है डेफ नहीं, बूटस्ट्रैप में वो है जिसको हम डिविजन्स बनाते हैं, उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया, फ्लेक्स टाइप, हाँ उसमें भी हम उस तरफ फ्लेक्स की वैल्यूज देते हैं, एडजस्ट करते हैं उसको। चलो एनी हाउ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सपेंडेड करता हूँ, इसको मैं रखूंगा एक्सपेंडेड, सही है, इसको मैं एक्सपेंडेड रखूंगा एंड इसको मैं फ्लेक्स की वैल्यू दूंगा, बाय डिफॉल्ट इसकी ऑलरेडी वैल्यू 1 होती है, सही है। इसको मैं यूज करता हूँ 4 टाइम्स, सही है। एंड चलो इसको मैं कंटेनर, चलिए कॉलम की वजह मैं कंटेनर करता हूँ इसको, उसको मैं कलर देता हूँ कलर्स डॉट रेड, ये आपको समझाने के लिए मैं दोबारा दोबारा कर रहा हूँ चीजों को, सही है, ताकि आपको इसकी सही समझ आ जाए। ये देखें, अब ये हमारे पास क्या था, रो है ना, तो रो में ये कॉलम्स जो थे ये किस तरह एक्सपेंड करेंगे, ये हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करेंगे, सही है। और जो वर्टिकली एक्सपेंड कर रहा है ना वो इस एक्सपेंडेड की वजह से कर रहा है, सही है। लेट्स सपोज एक्सपेंडेड विजेट आप कॉलम के अंदर यूज करते हैं ना, तो वो जो वर्टिकल स्पेस है वो लेगा, सही है। अगर आप उसको रो के अंदर यूज करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल जो स्पेसिंग है वो लेगा, सही है। तो यहां से आपका जो मेन वो है ना वो यहां से क्लियर हो जाएगा, सही है। तो मतलब हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। अब हमने उसको जो हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया है, अब हमने इसको वर्टिकली भी डिवाइड करना है, वर्टिकली भी हमने इसको इक्वल स्पेसिंग में डिवाइड करना है, क्लियर। आई होप सो केस क्लियर। हम जाते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पर तो हमने ये एक्सपेंडेड बना लिया है, सही है, लेकिन लेकिन क्या हम इसको करेंगे कॉलम, सही है, क्योंकि हमने कॉलम यूज करना है यहां पर और कॉलम काम कलर नहीं दे सकते, सही है। तो टाइमिंग इसको मैं हटा देता हूँ बाकी को, सही है, आपको उसकी समझ आ गई है। अच्छा एक और चीज, इसको मैं ये दो जो है ना इसको मैं सब कमेंट कर लिया मैंने इसको। अब ये देखें जो बाकी जितनी स्पेसिंग थी ना वो दो के दरमियान डिवाइड हो गई, सही है। अब इसके अंदर एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्स, सही है। फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि आपने कितनी स्पेसिंग लेनी है, अगर फ्लेक्स की वैल्यू दोनों में 1:1 है तो मतलब 1:1 होगा, ये सब में रेशियोज बनते हैं। अब लेट्स सपोज इसको मैं फ्लेक्स की वैल्यू देता हूं, फ्लेक्स इसको मैं करता हूं 2, तो ये क्या होगा, ये देखिए ये 2:1 होगा, सही है। अब इसको लेट्स सपोज मैं 3 करता हूं तो ये 3:1 हो जाएगा,
सही है। तो फ्लेक्स हम इस तरह यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज लिटिल बिट अबाउट दैट थिंग। सही। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है, चलो इसको भी मैं दोबारा से कर लेता हूँ। कॉलम वन, ये हमारे पास कॉलम नंबर वन है, सही है। एंड सेम ये हमारे पास हो जाएगा कॉलम नंबर टू, एंड ये हमारे पास हो गया कॉलम नंबर थ्री, सही है। एंड ये हो गया कॉलम नंबर फोर, सही है। ये हमारे पास चार कॉलम्स बन गए हैं। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने वर्टिकली डिवाइड करना है इन स्पेसिंग को, सही है। वर्टिकली भी इसको हमने डिवाइड करना है। तो ये जो कलर है इसके अंदर मैं क्या यूज करता हूँ, इसके अंदर मैं शायद यूज करता हूँ क्या, एक कॉलम। एंड इसके चिल्ड्रन में फिर यूज करूंगा, जो मैंने यूज करना है वहां फिर यूज करेंगे, सही है। अच्छा, इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं काम करता है या नहीं करता, सही है, काम तो कर रहा है। अच्छा, अब मैं यहां पर यूज करता हूं कंटेनर, बल्कि यहां पर भी मैं एक्सपेंडेड ही यूज करूंगा, सही है। अब आपको मैं बताता हूं इसको हम किस तरह करते हैं, इसको मैं कर देता हूं कंटेनर, इसको मैं कलर देता हूं कलर डॉट ग्रे, सही है। तो ये हमारे पास एक हो गया है, दो तीन चार पांच, हमें कितने बटन चाहिए, दो तीन चार पांच, पांच बटन चाहिए ना। तो उसको मैं कंप्लीटली ब्लैक कर दिया, इसको चलो मैं ब्लू कर देता हूँ, सही है। इसको मैं येलो कर देता हूँ, इसको मैं इंडिगो कर दिया मैंने इसको, ये देखें, सही है। आइडिया क्लियर, बनाना हमने कैसे है, सही है। तो जो यूआई हमने बनाना था उसका आइडिया आपके पास आ गया है कि हमने उसको किस तरह बनाना है, सही है। अब इसमें जस्ट एक चीज रह गई है और वो क्या है, हाँ हाँ, हमने एक कंटेनर यूज करना है और उसको हमने फिर राउंड करना है, सही है। Yes. आसान हो जाए फिर करते हैं इसमें, सही है। तो यहां पर हमने एक जो बेसिक बटन था ये डिजाइन कर लिया, तो बेसिक बटन हमारा यहाँ पे डिजाइन हो गया है, सही है। अब अगर उसमें कॉपी पेस्ट करता हूँ, सही है, और इसी तरह मेरे पास ये पांच बटन नहीं है, 5 × 4 = 20 बटन है, तो मेरे पास इस जो फाइल की साइज होगी कितनी चली जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इस कोड को फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब लेट्स सपोज मैंने बटन का पूरा डिजाइन चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, 20 बटन का मैं सेपरेट डिजाइन कॉपी पेस्ट करूंगा वहां पर, सही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इस मसले को रिजॉल्व करने के क्या यूज करते हैं, इसको कस्टम विजेट बना के यहाँ पे यूज करेंगे उसको, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, जो पूरा बटन का विजेट है ना, पूरा बटन का विजेट, इसको मैं उठा के यहां से मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पर मैंने कस्टम विजेट का वो एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें एक फोल्डर फाइल बनाता हूँ, उसको मैं करता हूँ कस्टम, या इसको मैं करता हूँ वाइट बटन, सही है, वाइट राउंडेड बटन। वाइट राउंडेड बटन कर दिया उसको मैंने, यहां पर मैं एक स्टेटलेस विजेट बनाता हूँ, सही है, उसको मैं नाम देता हूँ वाइट राउंडेड बटन। अब ये कहता है कि यार मुझे इंपोर्ट करो, तो चले अगर आप इतना गुस्सा होते हैं तो आप इंपोर्ट कर लेते हैं मटीरियल, क्लियर। तो ये हमारे पास बन गया है
और उसको मैं क्या करता हूँ, उस सारे कोड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सही है। अब ये इसमें इसको इंपोर्ट कर लेते हैं कोड, सही है। तो ये मेरे पास एक बटन का विजेट हो गया है, जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी बटन बने हुए हैं ना, रेज्ड बटन, सही है, तो इसी तरह बने हुए हैं, सही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जितने बटन थे ना, सारा कोड रिमूव करके उसको मैं जस्ट एक उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे डालूंगा मैं, सही है। और उसका क्या था, कस्टम सॉरी वाइट, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी होता है यहाँ पे, चलो फर्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं उसको। कस्टम विजेट्स के अंदर था, अब यहां से अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा वो आता है, यूआई के अंदर थी एंड फिर यूआई के अंदर हमारे पास कहां पे थी, सॉरी लिप था एंड लिप के अंदर यूआई था, सही है। तो ये मुश्किल हो जाता है, सही है। इंपोर्ट वाइट उसका नाम देख के वाइट राउंडेड बटन, बटन मैं कहाँ पे यूज कर दिए, अच्छा राउंडेड है, वाइट राउंडेड बटन, जब इंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जेड भी कर इंपोर्ट भी कर लेता है, सही है। ये देखें वही आपके पास वही यूआई आ रहा है, सही है। तो मैंने उसको वहां पे थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया था। अच्छा अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, अब इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज है सबका, सही है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें मैं वो टेक्स्ट की वैल्यू उसको पास कर दूंगा, सही है। ये जो बटन है ना, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फाइनल वैल्यू, सही है, वैल्यू का वो डाल के इसको मैं करता हूँ दिस डॉट वैल्यू, बेहतर है फाइनल यूज करें, आपने चेंज नहीं करना वैल्यू को ना, वैल्यू को हमने चेंज नहीं करना, हमने फाइनल रखना है उसको, सही है। दूसरा स्टेटलेस में आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे वो फाइनल होने चाहिए, वो रन टाइम पे चेंज नहीं होने चाहिए, सही है। तो इस वजह से हम इसको इस तरह रखते हैं। तो इनको खत्म करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट वो जैसे वो फर्स्ट बटन जीरो है, सेकंड बटन जो है मेरे पास वन है, और जो थर्ड है वो टू है, सही है। अब देखें इसको, अच्छा वही आ रहा है, उसकी वजह ये वैल्यू हमने यहाँ पर सेट नहीं की, सही है। वो वैल्यू सही है, हमारे पास चीजें कस्टम होती जा रही है इस तरह, सही है। अभी मजा आ रहा है थोड़ा सा, हमारा यूआई बन रहा है, तो यहां तक हमारा वो बटन्स बन गए। अभी हमने एक टाइप का बटन तो बना लिया है, सही है। अब इस पे क्लिक भी करना है हमने, सही है। तो क्लिक के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज करते हैं हमारे पास एक विजेट है जेस्चर डिटेक्टर, सही है। तो यहां पर हम उसको जेस्चर डिटेक्टर को यूज करेंगे, इसको मैं रैप कर लेता हूँ जेस्चर डिटेक्टर, सही है। अब जेस्चर डिटेक्टर का हमें क्या करता है, हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो है हमारे पास ऑन प्रेस ऑन टैप है, सही है। और ऑन टैप में हम एक इसको एनोनिमस फंक्शन देते हैं, सही है। स्टार्ट में मैंने बताया था इसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, ये एनोनिमस फंक्शन ही है। इसको मैं करता हूँ बटन प्रेस, सही है। अभी देखें यहाँ पे बटन प्रेस, बटन प्रेस। अब हर एक बटन की फंक्शनलिटी डिफरेंट है हमारे पास, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन भी मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, आपको मैंने बताया हम यहाँ पे फंक्शन पास कर सकते हैं, सही है। फाइनल फंक्शन ऑन प्रेस में यहाँ पे पास करता हूँ, सही है। एंड उसको आप यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे ये यूज करता हूँ दिस डॉट वैल्यू,
एंड दिस डॉट ऑनटेस्ट। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास नेम्ड पैरामीटर्स हैं। अब इससे पहले मेरे पास क्या थे, वो पोजिशनल पैरामीटर्स थे, सही है, मतलब जिस पोजिशन पे थे मैंने उस पोजिशन पे उसको वैल्यू देनी थी। अगर वो मैंने फर्स्ट डाला तो वो कंस्ट्रक्टर बनाते, ऑब्जेक्ट बनाते, उसको मैंने फर्स्ट वैल्यू देनी है, सही है। अब ये मेरे पास नेम्ड पैरामीटर्स हैं, इसको मैं बाय नेम वैल्यू पास करूंगा, सही है। इसको बाय नेम वैल्यू कैसे पास करेंगे, जहां पर मैंने यूज किया हुआ है वहां पे जाता है और ये बाकी को रिमूव कर लें जस्ट, सही है। उस टाइम मैं बाय नेम पास कर रहा था फर्स्ट, सही है। अब यहाँ पे क्या करें, अब ऑन प्रेस पास करना है, आप लिख दें, आप उसमें पास कर सकते हैं, ये देखें, हालांकि वो सेकंड नंबर पर है, उसकी पोजीशन सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, सही है। तो उसको हम नेम्ड पैरामीटर्स बोलते हैं, तब इसको नेम्ड पैरामीटर्स से वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। ऑन प्रेस फर्स्ट इसको मैं वैल्यू पास करता हूँ, आपकी मर्जी है, फर्स्ट वैल्यू पास करें, दूसरा कर सकते हैं आप लोग, सही है। जीरो एंड दिस मैं ऑन प्रेस में पास करता हूँ, इसको जो मेरी मर्जी है वो मैं पास कर दूंगा यहाँ पर, प्रिंट जीरो प्रेस्ट, इसको मैं सर कर सकता हूँ, सही है। क्लियर, ये देखिए मेरे पास जीरो आ रहा है। अब इसमें जब प्रेस करता हूँ, लोकेट नहीं है, बंद है, ये देखिए, सॉरी हाँ, वहाँ वहाँ पर मैंने फंक्शन अपडेट नहीं किया, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे पास किया है ना। अब इसको मैं यहाँ पर ऑन प्रेस जो था, जिस डिटेक्टर जो मैंने लगाया हुआ था उसकी जगह मैं लगा दूंगा, ये देखें, उसको मैं हटा के ऑन ऑन प्रेस का फंक्शन लगा दें यहाँ पर, ये देखें, जीरो प्रेस, सही है। अब एक और बटन लगा दें यहाँ पर, ये एक बटन था ना, मैंने इसको वन कर दिया है, इसको मैं करता हूँ वन प्रेस्ट, ये देखें अभी अभी रन में देखें, वन प्रेस्ट, जीरो प्रेस्ट, वन प्रेस्ट, सही है। तो यहाँ तक हमने बटन भी बना लिए हैं और आपका जो मेन स्ट्रक्चर है वो बन गया। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बाकी बटन्स बनाना, एक दूसरा बटन हमने बनाना है, वो जो डार्क कलर का बटन है, सही है। यहाँ पे दो बटन है इसमें ना, इसमें ये एक व्हाइट कलर का है, ये एक थोड़ा सा डार्क कलर का है, सही है। तो वो हमने बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये व्हाइट बटन है ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी में मैं चेंजेस कर लेता हूँ, सही है। तो मैं कॉपी पेस्ट करके ग्रे राउंडेड बटन, सही है। अब ये ग्रे राउंडेड बटन है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रे राउंडेड बटन, सही है। बाकी वैल्यू इसमें वही आ रहा है, इसका कंस्ट्रक्टर भी चेंज कर दें, ग्रे राउंडेड बटन, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर था इसको मैंने कलर क्या दिया था, वाइट दिया था ना, ये देखें, इसको मैं कर देता हूँ मेन थीम कलर, जो मैंने बैकग्राउंड कर दिया, ये कलर जो है, ये कलर इसमें भी आ जाएगा, सही है। सर्कल है बाकी, और टेक्स्ट का जो कलर है ये हम कलर्स डॉट वाइट, क्लियर। अब यहां पर मैं आता हूं मेन कैलकुलेटर स्क्रीन पे, और मैंने वाइट राउंडेड बटन लिखा हुआ है ना, इसको मैं करता हूं ग्रे राउंडेड बटन, देखना इसको, ये देखा, सही है। तो हमारे पास ग्रे राउंडेड बटन भी बन गया, व्हाइट राउंड जो व्हाइट राउंडेड बटन है वो भी बन गया, बटन हमारे पास सारे बन गए, सही है। अब जो नेक्स्ट है बटन्स को, सारे बटन्स को पॉपुलेट करना है यहाँ पर, सही है, उसको वैल्यूज देनी है। तो उस स्टेप की तरफ आते हैं, वो इतना देर टाइम इंशाल्लाह नहीं लेगा। अच्छा, हम आते हैं बटन से, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास एसी है, सही है, वाइट बटन है, फिर हमारे पास ये तीन बटन दूसरे हैं, फिर हमारे पास जो वाइट बटन वाइट बटन है, सही है। वन एसी 147, इसको हम कर लेते हैं, ये हमारे पास एसी है, वाइट बटन है ना, इसके बाद हमारे पास तीन ग्रे बटन थे, वन है, उसके बाद 147, हाँ, वन फोर एंड सेवन, उसके बाद फिर हमारे पास वाइट बटन है,
और वो बटन क्या है, प्लस डैश माइनस, ये देखो सही है हमारा वो फर्स्ट एरिया हो गया है। क्लियर? ओके यहां तक हमारा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है ना वो बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। ये कॉलम वन था, सही है। अब आते हैं कॉलम टू की तरफ। तो कॉलम टू क्या करते हैं, वही उसी कॉलम को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सही है, उसको फिर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपने पूरे कॉलम्स को करना है तो पूरे कॉलम को भी आप एक कस्टम विजेट बना सकते हैं, बट उतने बड़े विजेट को फिर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, सही है, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं सबकी, तो उसकी वजह से हम फिर नहीं करते हैं उसको, सही है, राइट ना उसको नहीं करते हैं। ये हमारे पास फिर कॉलम फोर, ये आपका कैलकुलेटर का मेंशन हो गया, सही है, अभी थोड़ा सा मजा आ रहा है, सही है, हमारा ये स्क्रीन बन गया। ओके, अब मुझे लग रहा है कि ये बटन थोड़े छोटे हैं, है ना, मैं क्या करता हूँ, वाइट राउंडेड बटन में आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसकी हाइट एंड विड्थ थोड़ी ज्यादा कर देता हूँ, ये देखें, और ये दूसरा बटन है ग्रे राउंडेड बटन, ये देखें, अगर मैं अलग अलग बटन बनाता तो क्या होता, एक एक में काम करना पड़ता, सही है। तो आपको एक कस्टम बटन की फायदियत का भी यहाँ पे अंदाजा होगा कि कस्टम बटन हम क्यों बनाते हैं और हमें क्यों बनानी चाहिए, सही है, क्लियर। ओके, यहां तक हमारा जो मेन यूआई था वो बन गया है, सही है। अब जस्ट करना क्या है, वैल्यू स्टिक करनी है और इसके अंदर फंक्शन डालने हैं, जो कि किसका काम है, मुझे लगता है कि आप लोगों का ही काम है, तो वो लोग वो आप लोग ही करना तो बेहतर। अच्छा, इसका एक थोड़ा सा मसला होगा, जो आखिरी ये रो हमारे, ये कॉलम जो है हमारे पास, सही है, उसमें आखिर में असल में ये दो है, दो बटन, सही है। अब दो बटन की जगह हमने एक बटन डालना है, उसको हम कलर कर लेते हैं फॉर टाइमिंग, उसको हार्ड कोड कर लेते हैं, बट उसको भी आप ऑप्टिमाइज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, सही है, अगर आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है ना तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्टिल, सही है, बट राइट नाउ हम उसको ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। यूजर को तो एक टाइम यूज होगा, हां मतलब एक दफा में यूज होगा, हां लेकिन उसमें मसला ये है कि हम इसको फिर यहां पे स्पेसिंग में भी थोड़ा, जो बाकी स्पेसिंग है ना उसमें भी थोड़ा सा मसला आएगा। हाँ चलो हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर जो आखिरी बटन था ना कहाँ गया, यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, ये राउंडेड बटन्स थी और इसके बाद हम क्या करते हैं, चले इसको भी हम क्या करते हैं, एक और बटन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, सही है, उसको मैं करता हूँ ग्रीन राउंडेड बटन, और इस ग्रीन राउंडेड बटन को हम फिर यहाँ पे यूज करते हैं, सॉरी और इसका कलर बैकग्राउंड का जो कलर है ना उसको मैं जस्ट ग्रीन कर देता हूँ। ना ना बस नहीं चले, अभी सब प्रॉब्लम नहीं आ रही, ग्रीन राउंडेड बटन बना लिया है, अब उसको यहाँ पे यूज करते हैं,
मैन कैलकुलेटर स्क्रीन इसको मैं क्लोज कर दिया। हमारे पास कैलकुलेटर स्क्रीन पे था जो आखिरी ये जो दो बटन है ना इसको हटा के हमने यहाँ पे वो ग्रीन लॉगिन बटन यूज करना है और उसमें साइन कौन सा था वैल्यू वैल्यू उसमें थी इक्वल की सही है और ऑन प्रेस चलो ऑन प्रेस फॉर टाइमिंग में नहीं डलता उसमें। अब इसका हमने एक और काम करना है इसका जो हाइट है ना वो डबल करना है सही है इसका हम हाइट कर देते हैं 140 सॉरी इसका टेक्स्ट कलर वो हो गया है। अब इसमें दूसरी बात और भी है अभी सिर्फ स्पेसिंग तो ले ली है ये देखें बाकी जो ऊपर की ये दो विजेट्स है ना उन्होंने भी अपने स्पेसिंग का थोड़ा सा मसला कर रहे हैं अभी सही है अभी इसको एडजस्ट करना है। इसकी एडजस्टमेंट किस तरह पॉसिबल हो सकती है राइट नाउ इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं इसको स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा दे देते हैं इसकी इसकी जो हाइट एंड विड्थ है उसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं तो शायद वो एडजस्ट हो जाए फिर यहाँ पर। चलें ये कंटेनर जो है ना इसको हम ये शेप हटा के इसको हमने राउंडेड शेप दिए हुआ है ना तो बिल्कुल उसकी वजह से ये मसला कर रहा है तो इसको इसको बॉर्डर रेडियस देनी पड़ेगी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और सर्कुलर का मतलब फिर ये आल पे आ जाता है ना सही है अगर आपने स्पेसिफिक देनी है तो बॉर्डर रेडियस डॉट आल या ओनली वो यूज कर सकते हैं जो कंस्ट्रक्टर्स हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 40-40 कर देता हूँ ऑल साइड्स पे ये बिल्कुल राउंडेड अभी ये देखें बिल्कुल राउंडेड आ गया है बटन। अब इसमें दूसरी बात क्या है दूसरी बात इसमें है एक मिनट ये कलर मैंने गलत जगह पे दे दिया उसको ये मैंने टेक्स्ट को दिया था सही है ग्रीन बटन का कलर हमारे पास वाइट है सो कलर भी वाइट है और ओके कलर्स इसके वाइट है एंड देन इसका जो ये कलर ये ग्रीन है सही है ये कलर्स आप दोबारा से भी एडजस्ट कर लें खैर एंड देन यहाँ पे इसको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा हमें क्योंकि दरमियान में जो स्पेसिंग है ना उसकी हाइट इसमें नहीं आ रही तो इसको मैं कर देता हूँ 180 थोड़ा ज्यादा हो गया है ना हाँ 170 कर लें तो बेहतर हो जाएगा सही है। तो यहाँ तक आपका ये यूआई डिजाइन बन गया सही है अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है वो आपको मैं जल्दी जल्दी करवा के और बाकी मैं आपको ये असाइनमेंट ऐड कर देता हूँ सही है करना आप क्या है यहाँ पर मैं यहाँ पे करता हूँ फाइनल वैल्यू टेक्स्ट फाइनल नहीं तो ये तो ग्रीन बटन है वो मेन कैलकुलेटर में करना पड़ेगा सही है बटन हमारे पास सारे बन गए हैं सही है अब करना क्या है यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू टेक्स्ट का बताऊं सही है इसको उसको हमें स्टेटफुल बनाना पड़ेगा सही है क्योंकि रन टाइम पे स्क्रीन पे हम चेंजेस कर रहे हैं सही है तो उसको मैंने स्टेटफुल कर दिया वैल्यू टेक्स्ट हो गया है इसको मैं स्टार्ट से एम्प्टी टेक्स्ट असाइन करता हूं पूरी एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करता हूं सही अब मैं क्या करूंगा जैसे ही किसी बटन पे प्रेस होगा ना लेट सपोज ये बटन है सही है सॉरी आइकन ये तो आइकन बटन है बैक स्पेस है लेट्स सपोज ये एक बटन है ये तो एसी है एसी नहीं वन ये एक बटन है इसको मैं क्या करता हूँ लेट्स सपोज पे प्रेस हो रहा है तो वैल्यू टेक्स्ट मैं क्या ऐड कर रहा हूं वैल्यू टेक्स्ट और के साथ में क्या ऐड करूंगा वन आई समझ आपको हाँ
समझ नहीं आई, ओके वैल्यू टेक्स्ट डॉट ओके असल में इसको जो नया टेक्स्ट आ रहा है उसको कंकेटिनेट करना है, कंकेटिनेट करना है साथ में, सही है। लेट्स सपोज स्टार्ट में वन वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर मैं वन दोबारा प्रेस करता हूँ उसको इलेवन बनना चाहिए, सही है। अगर मैं प्लस का देने साइन लगा रहा हूँ तो प्लस का साइन उस स्ट्रिंग के साथ एड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वही कर रहा था, सही है। तो इसको कर ले वैल्यू टेक्स्ट, आई थिंक वो प्लस काम कर रहा है या नहीं कर रहा मैंने उसको चेक नहीं किया, करता है बस सही है। अगर प्लस से कर रहा है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है प्लस का कि ये करेगा या नहीं करेगा, तो इस वजह से सही है। और यहां से आप क्या कॉल करें सेट स्टेट, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो वैल्यू डिस्प्ले आ रही है ना यहाँ पे, इसको मैं क्या कर दू वैल्यू डिस्प्ले हो रही है ये वैल्यू वैल्यू ये, इसको मैं कहता हूँ वैल्यू टेक्स्ट, सही है। अब मैंने जस्ट इस बटन पे किया था ना, ये देखें क्लियर ये हो गया, सही है। और इस तरह जो है ना आप यहां पे आंसर टेक्स्ट उसको भी पता नहीं मैं एंटी कर लेता हूँ, सही है। और वैल्यू कैलकुलेट करके आप लोग इस आंसर टेक्स्ट में डाल सकते हैं, ये आपका जो है ना वो असाइनमेंट हो जाएगा, आप लोग इसको खुद कर लो, सही है क्लियर। सही है। रिमूव कैसे करेंगे आप लोग, रिमूव का भी सिंपल है, ये बैक स्पेस का बटन है ना, इसको हमने रिमूव करना है अगर तो वैल्यू टेक्स्ट इक्वल्स टू वैल्यू टेक्स्ट डॉट, इसको हम करते हैं ट्रिम तो नहीं, इसका हम सबस्ट्रिंग बनाएंगे, सही है सबस्ट्रिंग। एंड उसको हमने करना है फिर स्टार्टिंग इंडेक्स का जीरो हो जाएगा, सही है। और इसका जो आखिरी इंडेक्स होगा ना वो वैल्यू स्ट्रिंग डॉट लेंथ माइनस वन, जो आखिरी होगा वो रह जाएगा इसमें। अच्छा ये सब स्ट्रिंग क्या करता है, आपके पास ये जो स्ट्रिंग ऑलरेडी है लेट्स सपोज ये मेरे पास वैल्यू स्ट्रिंग है ना, इसका सब स्ट्रिंग बनाता है, इसका छोटा उससे एक हिस्सा उठा के बना लेता है। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इससे आखिरी वाले हिस्से को छोड़ के बाकी उठा लेना है, तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। इसका जो लेंथ है ना लेंथ उससे एक माइनस करके मैं वो वैल्यू उठा, नहीं यहाँ पे उससे एक नहीं बल्कि दो माइनस करने पड़ेंगे, माइनस टू, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेंथ। अगर उसका उसमें तीन कैरेक्टर्स है ना तो उसका लेंथ कितना होगा, थ्री होगा, लेकिन इंडेक्स फ्रॉम जीरो टू टू होंगे। पूछ भी चेक करें इसको, आप सिर्फ स्ट्रेट लगा दें यहां पर, ये डबल डबल आ रहे हैं, सॉरी एक करना पड़ेगा, सही है सही। एसी कर रहे हैं समझो उसको जीरो पर लाते हैं, हां जो हम होम स्क्रीन पे लाते हैं दोबारा से पूरा पूरा वो मामला उसको सर स्टार से कर देते हैं, तो एसी प्रेस करते हैं नॉर्मली डिस्प्ले फंक्शन हो, ऑल क्लियर। जो वैल्यू टेक्स्ट है उसको एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दो, आपके पास ऑल क्लियर हो जाएगा, सिंपल है, सही है। बाकी जितनी भी बात है कॉमन सेंस की बात है, सही है। यहाँ तक हमने यूआई भी बना लिया, उसकी बेसिक फंक्शनलिटीज भी बना लिए हैं, और बाकी काम जो है ना कॉमन सेंस का है, सही है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है तो बताएं, कुछ मजा आया आज के सेशन का, हाँ।
रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग के दरमियान में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिस हो गई है, बट एनी हाउ आई होप सो कि आप लोग, हाँ वो सिंपल है वो चीज़ है, जो कस्टम विजिट का छोटा सा सेक्शन था वो मिस हो गया है, बट एनी हाउ अगर आप लोग कोड देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा सही है चीज़ों का. सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टूडे. आई थिंक नो वन हैविंग एनी क्वेश्चन. तो हम इस सेशन को एंड कर लेते हैं यहाँ तक, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. सही है, थैंक यू सो मच.